अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या चीज़ है यार, पंप मंगवाया सर। अच्छा डीजल पंप। जी हाँ। देखो तले रख यार, चेक करवा दे। बिल्कुल नवा पंप है इसका, ओरिजिनल है। अच्छा क्या बात है जनाब, ये डीजल पंप है और पुराने मॉडल वाला फंक्शन है 95 वाला, क्या ख्याल है? क्योंकि नवे मॉडल दी चोक है। हाँ जी, ये चोक बगैर है तो समझो 94-95 वाला है। तो जनाब ना नवे मॉडल दे चोक होंगी, एक कुका पुराने वाले जी तले वापसी होंगी, पुराने मॉडल दी ना वापसी है। यदि वापसी कौन ही, मतलब कि इदा आयल इंजन दे नाल है, अलग नहीं, सही है ना? और एक कुछ जनाब सीलां मीलां लगी हुई हैं, सारा माशाल्लाह फ्रेश है। हाँ जी लगता माशाल्लाह के बेहतरीन पे जैनवाने, चेक करो काबले वाशला सारा कुछ। इडू लाक इाकस है, रेस दी लाकस बहुत सारिया लाक हैं। तो जनाब ना बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह है। अरे की ख्याल है, नवा ठीक रहा है? जैन ही मोटा है, अपना जैन है। देखना एक पाकिस्तानी जैन होता पतला, इदा ना मोटा जैन लगा है। अच्छा फिर बिचिंती है ना, केम नवी, बैरिंग नवी, लिफ्टी नवी, गवर्नर बुश, हर चीज नवी है। ये हूँ नहीं पता भी कीमत कितनी दी है, क्योंकि नैक भेजा है, नैक गेन के जनाब ना भिजवा दिता है। तो हूँ असा सिर्फ इन फिट करना है, बाकी कोई इंशाल्लाह इदा प्रॉब्लम नहीं। लगाया पता लग सी जेले चल सी चल सी। हाँ हाँ नवे माशाल्लाह ठीक चल सी, बाहर दे दे प्लंजर वगैरह हो सन, तो इरलाक ना थी तो ये बड़ा अरसा तक ना चल सी। हाँ जी, और हे ग्रंटेड नवा एक होंगे ना, मेरा पैर वाला होंगे रंगा होया होंगे, वो गल नहीं, बिल्कुल नवा है। और माशाल्लाह हे ही बाहर का तकरीबन यदि हर वाशल हर काबला जोड़ा है ना वो दसें पे, वरना इस कोई काबला किमें हो गया कई वाशल किमें दे, इको सैटअप खड़े माशाल्लाह, और बड़ा सोहना सैटअप खड़े। सही है, जान छुट गई यार। हाँ वो बार बार बनवावन तू तो तकरीबन तो बॉडी लीक आई 100% के लिफ्टी लीक होंगी ना, तो लिफ्टी नू चेंज ही कीता नहीं। कीता नहीं, लिफ्टी चेंज थी। हाँ, पता ही उन्हें को कि ये कम करी पे तो उन्हें इडू आयल इदा बंद करके ना पक्का काम कर। हाँ अलग कर दिता है भाई, जितना ही डीजल आवे ना वो बाड़ी दे विच खड़दा रहे, इदे वापसी च ना वने। ते हुण नवा हो गए बेहतरीन माशाल्लाह, ट्रैक्टर दे नाल मजा करे सी इंशाल्लाह। के ख्याल है? बिल्कुल। ते ए हुंदे 55 HP दे विच, ए पंप, ए पंप जिहड़ा है 510 दा चोक वाला, वो है 57 HP दे विच। अच्छा, जिहड़ा बहुत पुराना मॉडल है उहदा भी 55 HP दे विच। हाँ जी, ते बाकी ना माशाल्लाह पंप सोहणे, कहीं पासू कहीं किस्म का कोई ना प्रॉब्लम को नहीं, क्योंकि ये ना हो कि जनाब ना रिपेयरिंग वाला हो इस तरह का, लेकिन नहीं माशाल्लाह बिल्कुल ग्रंटेड ना प्रोडक्ट पई है माशाल्लाह। एक जनाब सिस्टम है, मजीद हाइड्रॉलिक असम्बली भी आई पई है, वो भी थोनों चेक करवैसूँ। तो ये जनाब थोड़ा जहा समान आए, नहीं पता भी कितने का आए पंप, सारे कोल कोई नहीं पता कितों आए, इन्हां चीज़ों का सन नहीं पता। ये पहले 95 का है। हाँ जी, दूजे 95 का माशाल्लाह पंप बिल्कुल ओके आई, तो अगर मालिक की मर्जी के नाल वाला उसने करावना पे तो करा गए साए, इवें फिट होया तो इवें फिट रहा सी। ये पहले 95 का समान आता पे, तो इंशाल्लाह ना जिस टाइम फुल समान आवेंदा वा तो कुछ सारा कुछ चेक करवा देने। वैसे ऐसा नहीं कि मालिक गिन के खुद खुद भेजा है, बस
ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਫੋਨ ਪੇਟੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਗਰਾਰੀ, ਗਰਾਰੀ ਢਿੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਰਾਰੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਆਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਇਲ ਚਾਲੂ ਕੌਣ ਆਈ ਬੰਦ ਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੁਸ਼ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੱਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਊਨ ਕਰੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਕਸਦ ਕਿ ਨਾ ਚਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲੂਜ਼ ਕਰੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਗਰਾਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਾਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨੀ ਉਹਦਾ ਬੁਸ਼ ਹੈ ਬਕਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਇਸਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।